अब हमारी जो अगली ब्रांडिंग है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस शो का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, कब्जा। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, कब्जा। किस पर कब्जा हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। रणतीसी अस्पताल में आईडीएफ की रेड, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। आईडीएफ की 13 कमांडो यूनिट मौजूद, ये देखिए एम्बियंस आप राहुल। आईडीएफ की आर्मर्ड ब्रिगेड की छापेमारी, एम्बियंस आप ये देखिए जरा। रणतीसी में हमास का सेंटर होने का दावा किया जा रहा था, ये देखिए रणतीसी अस्पताल में अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए राहुल जरा। एक और बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल के बाहर आईडीएफ का एक्शन, ब्रेक करिए वीडियो दिखाइए, बड़ा खतरनाक वीडियो है ये देखिए। अस्पताल में घुसने से पहले आईडीएफ का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन, एम्बुलेंस। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को इसराइल ने 72 घंटे से घेरा। अल शिफा के ऊपर आईडीएफ का पूरा कब्जा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। अल शिफा अस्पताल के बाहर आईडीएफ का एक्शन, ये देखिए जरा, पूरे अस्पताल को घेर लिया गया, ये देखिए जरा। ये दोनों तस्वीरें देखिए जरा, रणतीसी अस्पताल जिसके ऊपर अटैक किया गया अब आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट में आएगा, और अल शिफा अस्पताल को 72 घंटे से घेर रखा था, अब उस पर पूरा कब्जा हो गया है आईडीएफ का। ये दोनों वीडियो दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए जरा, वेल डन पीसीआर, ये देखिए जरा। ये दोनों तस्वीरें अस्पतालों की है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और मैं चाहूंगा सीधे पीआईपी में लाइव लोकेशन से बिपिन चौबे को लीजिए। बिपिन, अस्पतालों के ऊपर कहर बन के टूटी आईडीएफ, और पूरी दुनिया में इसको लेकर बहुत रोष है, बहुत नाराजगी है। जी बिल्कुल निशांत, जो दुनिया की निगाह में अस्पताल है, दरअसल वो अंतरखाने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, अब ये एक्सपोज हो चुका है। देखिए इंटरनेशनल नॉर्म्स का ना तो जो पालन है वो शुरुआत में हमास के लड़ाकों ने किया, उसी को आधार बनाकर अब इजरायली डिफेंस फोर्स उन्हीं अस्पतालों पर कहर बनकर टूट रही है जो सबसे बड़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में सामने आए थे। लिहाजा इन अस्पतालों को टारगेट किया गया है और किसी चीज की परवाह नहीं की जा रही है। बार बार अनाउंसमेंट करके ये कह दिया जा रहा है कि अगर जान बचानी है तो अस्पताल को खाली करिए, क्योंकि यही वो अस्पताल है जो इसराइल के पीठ में छुरा मारने का काम किए हैं, इसी में वो लड़ाके हैं जिन्होंने उनके खिलाफ छिड़ा है। ठीक है विपिन, बी विद मी, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर, ब्रेक करिए। अस्पताल के आसपास फैला हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर, आईडीएफ ने काफी तो वीडियो राहुल ये देखिए किस तरीके से अफरा तफरी मच गई थी वहां पर। हमारी पैकेजिंग टीम ने इसको बड़े अच्छे से एडिट किया, ये देखिए कमांड सेंटर को दूसरी जगह से शिफ्ट कर बेहतर बनाया आईडीएफ ने कहा, ये देखिए जरा जमीन से 80 मीटर नीचे हाइड हमास का कमांड सेंटर, आईडीएफ ने कहा। ये अल शिफा अस्पताल में जब आईडीएफ का कब्जा हो रहा है उसके वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, सीधे बिग बॉल पर आइए और राहुल ये बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा, ये देखिए जरा अल शिफा के नीचे हमास का कमांड सेंटर, ये बड़ी खबर है। अस्पताल के आसपास और नीचे तक मौजूद ये जानकारी है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये फिर देखिए अस्पताल के बेसमेंट से कमांड सेंटर का एंट्री पॉइंट है अल शिफा में, ये देखिए एंट्री पॉइंट पर सब कुछ तहस नहस जैसी प्लानिंग जैसी फिलिंग, ये देखिए एंट्री पॉइंट से आगे बढ़ने पर तैयारियों का अंदाजा है, ये देखिए फिर जमीन से 265 फीट नीचे हमास का कंट्रोल सेंटर है, फिर देखिए गाजा मेट्रो से जुड़ा है हमास का ये कमांड सेंटर। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए अल शिफा अस्पताल में घुसे आईडीएफ के सैनिक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। ये देखिए जरा डॉक्टर्स में किस तरीके से अफरा तफरी है, अस्पताल के अंदर मची अफरा तफरी, धुएं से भरा अल शिफा का ऑपरेशन थिएटर, ये देखिए जरा, ये देखिए अल शिफा की मैं बात कर रहा हूं, अस्पताल में अफरा तफरी हो गई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अल शिफा के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग, ब्रेक करिए सीधे ब्रेक करिए, डॉक्टर्स की मौजूदगी में हुई फायरिंग, ये देखिए जरा एम्बुलेंस साहब, फायरिंग के वक्त मौजूद थे कई मरीज,
ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हुई फायरिंग। सीधा आइए, सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे खास मेहमान। लेकिन मैं दीपक सर के पास जाने से पहले बख्शी सर के पास जाऊंगा। बख्शी सर, ये जो हो रहा है, मैंने अभी अभी कहीं कल टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ये सीधे सीधे वॉर क्राइम है, किसी भी सूरत में आप अस्पताल पर अटैक नहीं कर सकते हैं। इसराइल ने जो भी रूल बुक अपनाई है वो रूल बुक कहीं से भी जिनेवा कन्वेंशन के साथ नहीं है, एंड यू कैन नॉट बिकम अ क्रिमिनल टू हैंडल अ क्रिमिनल। आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल नो गो है लड़ाई के दौरान जनीवा कन्वेंशन के तहत किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करना, किसी भी मेडिकल फैसिलिटी पे अटैक करना। लेकिन इसराइल का कहना है कि ज़्यादातर हमास जो है वो आड़ ले रहा है अपनी पॉपुलेशन की, उसके कमांड सेंटर्स हस्पतालों के नीचे हैं, स्कूल्स के अंदर हैं, मॉस्क्स में लोकेटेड हैं, और ये अभी से नहीं वो पहले की लड़ाइयों से करे आ रहा है। इसके लिए वो तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो हॉस्टेजेस थे वो इसी हस्पताल के नीचे रखे गए थे। अब बात यह है कि एक बैटल के साथ साथ बैटल ऑफ नैरेटिव्स भी होती है। अमेरिका इसराइल को बोल रहा है कि अगर आप इस तरह लड़ते रहे तो यू विल लूज द बैटल ऑफ द नैरेटिव, और दुनिया का पब्लिक ओपिनियन बुरी तरह आपके खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए वो इसराइल पे जोर डाल रहा है कि पहले तो उसने ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस करवाए और अब कह रहा है कि ये हॉस्पिटल्स पे अटैक बदली करे। लेकिन मुझे थोड़ी सी नूरा कुश्ती दिखाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो बोले जा रहे हैं इसराइल करे जा रहा है। ठीक है सर, मैं आपको इसकी एक डिटेल देने वाला हूं। बख्शी सर, बी विद मी।